फ्रेंड्स, आप सभी का माय लिटिल टेरिस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी से कुछ ऐसे प्लांट शेयर कर रहे हैं जो कि हैंगिंग प्लांटर में बहुत अच्छे लगते हैं, हैंगिंग बास्केट में, जो कि गार्डन की खूबसूरती को तो चार चांद लगाते ही है। और साथ ही साथ जगह की, जिन फ्रेंड की छोटा सा टेरिस हो, छोटी सी बालकनी हो, उनके लिए तो बेस्ट टू बेस्ट है। और हैंगिंग प्लांटर ऐसे है जो कि जहाँ पे लगा उस जगह की खूबसूरती को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। देखिए, ऊपर हैंगिंग प्लांटर है और नीचे इस तरह से प्लांट्स है जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो हैंगिंग प्लांटर की यही सबसे बड़ी खूबी है कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत गार्डन की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं, जगह कम घेरते हैं और बहुत अच्छे भी लगते हैं। तो आज हम आप सभी से कुछ प्लांट शेयर कर रहे हैं, 10 से भी कुछ अधिक प्लांट्स, जिसको कि बहुत आसानी से लगा सकते हैं, जिनको धूप की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, आधे घंटे की धूप ही काफ़ी है। तो बस कुछ बातों का ध्यान रखना है जब भी हैंगिंग प्लांटर में प्लांट्स लगाएं, कि मिट्टी बिल्कुल हल्की रखे, पॉटिंग मीडिया हल्की रखे, क्योंकि अपन हम सभी इस तरह से हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो हल्की फुल्की बास्केट बिल्कुल हल्का फुल्का होना चाहिए। तो उसके लिए मिट्टी, थोड़ी सी मिट्टी ले और आप हल्का रखने के लिए बास्केट को कोकोपीट ले सकते हैं। तो अगर कोकोपीट नहीं हो तो राइस हस्क ले सकते हैं। अगर कोकोपीट, राइस हस्क दोनों ही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, मतलब आसपास नहीं हो, तो सबसे अच्छा इजी तरीका है सूखी पत्तियाँ, जो गार्डन की सूखी पत्तियाँ हैं उनको ले, मिट्टी के साथ मिला दे, थोड़ी सी खाद ले, बस एक अच्छा सा पॉटिंग मीडिया तैयार हो जाएगा। उसमें थोड़ा फंगीसाइड मिला है, अगर फंगीसाइड नहीं हो तो नीम की खली, और नीम की खली भी नहीं हो तो थोड़ी सी हल्दी पाउडर, मतलब थोड़ी सी हल्दी पाउडर के साथ थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ी सी गार्डन की जो भी सूखी पत्तियाँ उनको मिला, थोड़ा सा खाद, तो बहुत अच्छा पॉटिंग मीडिया बन जाता है। खाद में आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और आज हम जो भी आप सभी से प्लांट शेयर कर रहे हैं, सभी प्लांट जो शेड लविंग प्लांट हैं, मतलब उनको ज़्यादा धूप की भी ज़रूरत नहीं है। तो जिन फ्रेंड के जगह की कमी हो, धूप की कमी हो, तो ये सभी प्लांट्स लगा सकते हैं। इन प्लांट को आधे घंटे की धूप भी काफ़ी रहती है। तो सबसे पहले तो हम ट्रायंगल हार्ट का ये प्लांट शेयर, पर्पल हार्ट का ये प्लांट शेयर कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड, पर्पल कलर का है जो कि कितना ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये भी एक है पर्पल हार्ट का प्लांट, इसके पर्पल पत्ते बहुत अच्छे लगते हैं। और अभी तो बारिश में इस तरह से देखिए, इस तरह से एरियल रूट्स भी आते हैं, इनको कट करके लगाएंगे तो तुरंत लग जाएगा। और इसको सिंपल मिट्टी, गार्डन सॉइल में या रेत में लगाएंगे तो भी ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। तो सबसे पहला प्लांट ये है, और पर्पल हार्ट का प्लांट है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। उसके बाद ये ट्रायंगल हार्ट का प्लांट है, देखिए इसकी पत्तियाँ कितनी अच्छी होती है। ये भी सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है, इसकी पत्तियाँ थोड़ी फ्लैशी रहती है, तो इनको भी कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्लांट को भी कम पानी, जितने भी सकुलेंट वैरायटी के प्लांट्स रहते हैं उनको पानी कम चाहिए, और पॉटिंग मीडिया बिल्कुल हल्की चाहिए। तो कम पानी दें और पॉटिंग मीडिया बिल्कुल हल्की फुल्की रखे। तो और इसकी छोटी से छोटी कटिंग लग जाती है, इस तरह से अगर छोटी सी कटिंग लेकर भी आप साधारण से गार्डन सॉइल में या सिंपल रेत में लगाएंगे तो बिल्कुल तुरंत लग जाएगा। और अभी तो बारिश में काफ़ी सारे एरियल रूट्स आते हैं इनमें। उसके बाद फ्रेंड ये फर्न, तो फर्न की कोई भी वैरायटी हो आप इस तरह से लगा सकते हैं, बस इनको मिट्टी में पानी अधिक चाहिए, मतलब हमेशा गीली मिट्टी चाहिए, तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। और पॉटिंग मीडिया सबके एक जैसे ही बनाए, हल्की फुल्की भुरभुरी मिट्टी बनाए, बस जो भी सकुलेंट है जैसे ये पर्पल हार्ट है, ट्रंगल हार्ट है, इनको मिट्टी में पानी कम चाहिए, लेकिन इसको पानी चाहिए, फन की जितनी भी वैरायटी है उसको। उसके बाद फ्रेंड ये एक प्लांट है, देखिए ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लांट है, बेस्ट टू बेस्ट प्लांट है, क्योंकि इस तरह से एक प्लांट लगाते हैं, इसके साइड से इस तरह से बहुत सारे बेबीज आते हैं और एक तरह से एक चेन जैसे आते रहते हैं। एक ही प्लांट से देखिए इस तरह से चेन आते हैं और नीचे इस तरह से एक प्लांट बन जाता है, तो इसको चेन प्लांट या ऑक्टोपस प्लांट कहते हैं। तो ऊपर इस तरह से प्लांट रहता है और नीचे इसकी शाखाएँ या बेबीज इस तरह से चेन की तरह आती है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसको भी सेम टू सेम मिट्टी बनाए, अभी जैसे मिट्टी हमने आप सभी से शेयर किया है, बस इनको भी पानी कम ही चाहिए, क्योंकि ये भी एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है, इसकी देखिए पत्ती इस तरह से फ्लैशी फ्लैशी होती है, तो इनको कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। ये भी ट्रायंगल हार्ट का ही प्लांट है। इसके बाद देखिए फ्रेंड ये है,
पेविस टियर का ये प्लांट है। देखिए कितना ज़्यादा अच्छा लगता है हैंगिंग प्लांट में, हैंगिंग प्लांटर में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें भी मिट्टी हल्की फुल्की चाहिए, लेकिन मिट्टी गीली पसंद है इस प्लांट को। मतलब जब मिट्टी सूखे तब पानी दें, लेकिन अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा सूख जाएगी तो ये प्लांट की पत्तियाँ मुरझा जाएगी, तो इस बात का ही ध्यान देना है। उसके बाद फ्रेंड ये पैंडेनस का प्लांट है, ये भी हैंगिंग प्लांटर का बहुत अच्छा प्लांट है, बहुत खूबसूरती से चलता है और इसको भी ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये पैंडेनस का प्लांट तो ऐसा प्लांट है फ्रेंड, ये आधे से एक घंटे की धूप में भी चल जाएगा, और अगर 4 से 5 घंटे की धूप में रखें तो भी अच्छे से चलेगा। बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा ही हार्डी प्लांट है, तो इसको बिल्कुल रख सकते हैं हैंगिंग प्लांटर में, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए ये भी एक प्लांट है, और नीचे देखिए इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे से जार में कंटेनर में लगाए हैं। सभी प्लांट बहुत अच्छे से चलते हैं पैंडेनस के, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। उसके बाद फ्रेंड स्पाइडर प्लांट तो है ही इतना अच्छा प्लांट, हैंगिंग प्लांटर का बहुत अच्छा प्लांट है। इस तरह से देखिए स्पाइडर प्लांट छोटे से, देखिए एक छोटे से मटकी में हमने लगाई है, तो देखिए इसके साइड से भी इस तरह से बेबीज आते हैं, देखिए कितने ढेरों बेबीज हैं। तो बहुत ही अच्छा प्लांट है और हैंगिंग प्लांटर का बेस्ट प्लांट है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो इस प्लांट को भी ज़्यादा पानी ना दे, जब मिट्टी सूखे तभी पानी दे, ज़्यादा ओवर वाटरिंग से प्लांट थोड़ा ख़राब सा होने लगता है। उसके बाद फ्रेंड ये वंडरिंग जू का प्लांट है, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है हैंगिंग प्लांटर में। देखिए पत्ती की खूबसूरती कितनी अधिक है, और इसकी भी छोटी से छोटी कटिंग लग जाती है, और अभी तो बारिश में इसके काफ़ी सारे देखिए इस तरह से रूट्स आते हैं, एरियल रूट्स, तो उसको लगाएंगे तो बहुत अच्छे से चल जाएगा ये प्लांट। इसको भी आधे से 1 घंटे की धूप ही पसंद है। उसके बाद फ्रेंड ये एक प्लांट है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इसको टर्टल वाइन कहते हैं इसको, और ये भी इस तरह से ऊपर से नीचे तक इस तरह से बहुत लंबा लंबा बढ़ता जाता है, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, गार्डन की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। देखिए फ्रेंड इसका दूसरा प्लांट ये है, थोड़ा दूर से दिखा रहे, देखिए कितना ज़्यादा अच्छा लगता है, और इसकी भी छोटी से छोटी कटिंग लग जाती है। ये भी सकुलेंट वैरायटी का ही प्लांट है, इसको भी ज़्यादा पानी ना दें, जब मिट्टी सूख जाए तभी पानी दें। फ्रेंड ये बोट लिलिया रियो का प्लांट, ये हैंगिंग प्लांटर का बहुत बेस्ट प्लांट है, बहुत अच्छे से हैंगिंग प्लांटर में चलता है और बहुत अच्छा रहता है। इसको भी बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और जब मिट्टी सूखे तभी इस प्लांट को पानी दें। और इसके बाद देखिए फ्रेंड ये भी एक फर्न की एक वैरायटी है, देखिए कितने अच्छे से चल रहे, छोटे से एक प्लांटर में लगाया है, तो इन सभी को हैंगिंग प्लांटर में लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, गार्डन की खूबसूरती को बढ़ा देगा। फ्रेंड इस तरह से पोथोस की कोई भी वैरायटी मनी प्लांट की आप हैंगिंग प्लांटर में लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये प्लांट पूरे नीचे नीचे की तरफ बढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, तो इन सभी को आप हैंगिंग प्लांटर में लगा सकते हैं। तो देखिए ये एक पोथो है, इस तरह से एक देखिए ब्रोकन हार्ट का प्लांट है, ये भी बहुत अच्छे से हैंगिंग बास्केट में चलते हैं, और मनी प्लांट तो चलते ही है, तो सभी प्लांट्स को आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। ये लालसा का प्लांट है, जो कि हैंगिंग प्लांटर का बहुत ही बेस्ट प्लांट है, देखिए इसकी पत्तियाँ कितनी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो ये प्लांट ऐसा प्लांट है हैंगिंग प्लांटर में तो अच्छा लगता ही है, अगर आप छांव में रखेंगे तो इसकी पत्ती ग्रीन हो जाएगी, और धूप में रखेंगे तो इसकी पत्ती इस तरह से कलर बिखरेगा, ये प्लांट अपनी पत्तियों की खूबसूरती बिखरेगा। तो आप इसको धूप में भी रख सकते हैं, छांव में भी रख सकते हैं, और हैंगिंग प्लांटर का बहुत ही बेस्ट प्लांट है ये। फ्रेंड देखिए रिवन ग्रास का ये प्लांट है, हैंगिंग प्लांटर का बहुत ही अच्छा बेस्ट प्लांट है, उसमें देखिए इस तरह से वाइट वाइट फूल भी आते हैं। तो इस प्लांट को आप आधे से 1 घंटे की धूप में रखें तो भी ये प्लांट अच्छे से चलेगा, क्योंकि बहुत हार्डी प्लांट है, और साथ ही साथ अगर 3 से 4 घंटे की भी धूप मिले तो भी ये प्लांट अच्छे से चलता है। तो बहुत ही अच्छा प्लांट है, ये हार्डी प्लांट है, आधे घंटे से धूप से 3 से 4 घंटे की धूप में भी चलने वाला बहुत ही अच्छा प्लांट है ये। फ्रेंड इस तरह से इन सभी प्लांट्स को आप गार्डन में ज़रूर शामिल करें, जिनकी की केयर बिल्कुल कम है और बहुत ज़्यादा गार्डन की खूबसूरती को
बढ़ा देते हैं। सभी प्लांट जिनके केयर कम है, बस पॉटिंग मिक्स अच्छा रखे, हल्का फुल्का पॉटिंग मिक्स रखे और आधे घंटे की धूप ही काफ़ी है और पानी का थोड़ा खास ध्यान रखे बस। तो इस तरह से ये सभी प्लांट्स बहुत अच्छे से चलेंगे और गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाएंगे। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।